और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 5 वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में, मतलब ऐसी 5 गाड़ियां जो आपको पैसा वसूल करके देगी। तो पहले नंबर पर आती है यामाहा R15 वर्जन 3। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बाइक को ना जानता हो, क्योंकि काफ़ी कम समय में R15 V3 ने अपनी जगह इंडियन मार्केट में बना ली है। दोस्तों, लुक्स इस बाइक का काफ़ी शानदार और स्पोर्टी है। पूरी तरह से ये बाइक एरोडायनेमिकली डिजाइंड है, तो आपको वाइब्रेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं आएगी। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है, जिसकी नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है, एंड द क्वालिटी ऑफ बल्ब इंडिकेटर्स आर टॉप नॉच। अब काफ़ी सारे भाइयों का डाउट होता है कि भाई कितनी हाइट होनी चाहिए R15 V3 को चलाने के लिए। तो अगर आपकी हाइट 5.1 या 5.3 फीट से ऊपर है, तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बाइक पसंद है, आपका ड्रीम है, तो फिर हाइट मैटर नहीं करती है। बाकी जो लोग इस बाइक को पसंद करते हैं, वो कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 155 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल SOHC इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.6 PS एट 10,000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.1 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM। दोस्तों, माइलेज इस बाइक से आप काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो। अराउंड 45 to 50 km/h तक का माइलेज ये बाइक दे देती है। दोस्तों, एग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर इसमें आपको मिलता है, और जब आप इसको चलाओगे तो एक पॉजिटिव फील आपको मिलेगा। स्प्लिटेड सीट इसमें आपको मिलती है, राइडर और पिलियन सीट दोनों ही कंफर्टेबल और वेल कुशन्ड है, और 155 cc के सेगमेंट की ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको ऐसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो आपको हायर सेगमेंट की बाइक में मिलते हैं, जैसे कि डुअल चैनल ABS और स्लीपर क्लच इसमें आपको मिलता है, प्लस यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाती है, जो एक कांस्टेंट RPM को क्रॉस करने के बाद बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, इसका प्राइस है 1,45,000, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको पावर भी मिल जाता है, बेस्ट इन क्लास कंफर्ट भी मिलता है, माइलेज और फीचर्स इसमें आपको प्रीलोडेड मिलते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप यामाहा R15 वर्जन 3 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। दूसरे नंबर पर आती है TVS अपाचे RTR 160। दोस्तों, ये एक बजट फ्रेंडली बाइक है, और ये TVS की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सक्सेसफुल बाइक है, क्योंकि पहले भी लोग इसे पसंद करते थे और आज भी अपाचे लवर्स इसको पसंद करते हैं। दोस्तों, लुक्स इस बाइक का काफ़ी बढ़िया है, और टैंक पर जो एक्सटेंशन है वो बाइक को और भी स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देता है। दोस्तों, थोड़ा वाइब्रेशन आपको इस बाइक में फील होगा, जैसे आप 100 km/h की स्पीड क्रॉस करोगे तो बाइक माइनर सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। अब शॉर्ट हाइटेड वाले बंदे के लिए ये बाइक अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से ऊपर है, तो आप इसको कंफर्टेबल चला सकते हो। लेकिन अगर आपको बाइक पसंद है, तो हाइट मैटर नहीं करती। दोस्तों, इसमें आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसका मैक्सिमम पावर है 15.53 PS एट 8,400 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM। माइलेज इस बाइक से आप 40 to 45 km/h का गेन कर सकते हो, और सिंगल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिलेगा। दोस्तों, राइडिंग पोस्चर इस बाइक का अपराइट है, और यूनिबॉडी सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, तो आप लेडीज़ को भी आराम से बिठाकर ले जा सकते हो। दोस्तों, इसका प्राइस है 97,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और ये बाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट फ्रेंडली और वर्थ फॉर मनी बाइक रहेगी, क्योंकि कम्फर्ट और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, और पावर भी इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप अपाचे RTR 160 को लेना पसंद करोगे कि। तीसरे नंबर पर आती है सबकी पसंदीदा बजाज पल्सर RS 200। दोस्तों, इस नाम को इंडियन मार्केट में आए लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस बाइक के फैन हैं, क्योंकि इस बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है। फ्रंट प्रोफाइल इस बाइक का एकदम यूनिक है, मॉन्स्टर जैसा डिज़ाइन इस बाइक में आपको दिया गया है। सेंटर में आपको 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, और उसी के ऊपर आपको LED DRLs मिलते हैं, और पीछे आपको LED टेल लाइट
मिलती है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की बेस्ट इन क्लास है। इसका प्लास्टिक फाइबर एकदम मजबूत है तो गिरने पर यह बाइक एकदम से टूटेगी नहीं, और वाइब्रेशन इस बाइक में आपको माइनर सा फील होगा। दोस्तों इस बाइक में आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व FI लिक्विड कूल BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.5 PS एट 9750 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 18.6 न्यूटन मीटर एट 8000 RPM। दोस्तों 30 से 35 का माइलेज इस बाइक से आप गेन कर सकते हो, और पहले इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता था, लेकिन सेफ्टी फीचर को बढ़ा दिया गया है और अब आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर इस बाइक में आपको मिलता है, और इसका राइडिंग पोस्चर इतना रिलैक्स है कि अगर आप 3 से 4 घंटे भी इसको चलाते हो तो आपके पाम और शोल्डर्स में पेन नहीं होगा। स्प्लिटेड सीट इसमें आपको मिलती है और दोनों ही सीट्स की कुशनिंग A1 है। दोस्तों इसका प्राइस है 1,48,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और 200 सीसी के हिसाब से इस बाइक का प्राइस एकदम सही है, क्योंकि RS 200 इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है, क्योंकि इसमें आपको माइलेज, पावर, कंफर्ट, लुक्स सब कुछ आपकी पसंद का मिल जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बाइक आपके लिए पैसा वसूल बाइक रहेगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन पर बताओ कि आप पल्सर RS 200 को लेना पसंद करोगे कि। फोर्थ नंबर पर आती है यामाहा MT-15। दोस्तों ये यामाहा की नेकेड सेगमेंट का सबसे बेहतरीन मॉडल है, जो स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है और आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो लुक है वो आज की जनरेशन के हिसाब से काफ़ी शानदार है। हर एंगल से बाइक एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है, और इसका मस्कुलर टैंक बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। अब काफ़ी सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि आपने NS 200 को क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों NS 200 को इंडियन मार्केट में आए 8 साल हो चुके हैं, और अब उसका लुक आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए समय के साथ हम सभी को बदलना चाहिए, क्योंकि MT-15 का लुक्स NS 200 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है और फ्रेश है। और दोस्तों यामाहा का इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी बजाज के इंजन से कई गुना बेटर है, इसलिए मैंने इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बाइक की लिस्ट में रखा है। इसके फ्रंट में आपको यूनिक ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन मिलता है, जो इस बाइक का बेस्ट पार्ट है। कॉर्नर पर आपको LED हेडलाइट मिलती है, और सेंटर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है। बाकी इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 18.5 PS एट 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 14.7 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM। और इस बाइक से आप 45 to 50 KMPL का माइलेज गेन कर सकते हो, और सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलेगा। बाकी इसमें आपको स्लीपर क्लच और VVA टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। दोस्तों राइडिंग पोस्चर इस बाइक का अपराइट है, और यूनिबॉडी सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, और अगर आपकी हाइट 5.2 फीट से ऊपर है तो आप इसको आराम से। दोस्तों इसका प्राइस है 1,38,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और ये एक फीचर लोडेड बाइक है जो अपने 155 सीसी सेगमेंट में बेस्ट है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और डेली यूजेस के लिए एक स्पोर्टी बाइक चाहते हो, तो यामाहा MT-15 आपके लिए परफेक्ट रहेगी। बाकी MT-15 लवर्स कमेंट ज़रूर करना। पाँचवें नंबर पर आती है KTM RC125। दोस्तों आप RC125 को किसी दूसरी 125 सीसी की बाइक से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये R15 V3 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। दोस्तों लुक्स इस बाइक का काफ़ी बढ़िया है, और जो लोग RC200 नहीं ले पा रहे थे ज़्यादा प्राइस के कारण, तो अब वो लोग RC125 ले सकते हैं। बस पावर फिगर में डिफरेंस आएगा, बाकी बाइक सेम RC200 जैसी दिखती है। दोस्तों बाइक एरोडायनेमिकली डिज़ाइन है, तो आपको वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट में आपको WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, प्लस इसमें आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इस बाइक में लगाया गया है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल FIDO HC इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 14.5 BHP एट 9250 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर एट 8000 RPM। और दोस्तों माइलेज इस बाइक से आप
40 to 45 km/h तक का गेन कर सकते हो। दोस्तों राइडिंग पोस्चर बाइक का काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और अगर आप 2 से 3 घंटे राइड करोगे तो आपके शोल्डर्स और पाम में पेन होगा। इसका प्राइस है 1,55,000 एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि एक 125 cc के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लुक्स, माइलेज और फीचर्स को देखोगे तो बाइक अप टू द मार्क है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको RC125 कैसी लगती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करो और आप मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग।